हर हर महादेव, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। जय माता लक्ष्मी। आज मैं आपको श्रवण कराती हूँ कि आखिर ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जो धनतेरस के दिन बिल्कुल भी नहीं खरीदनी चाहिए। दीपों का उत्सव दीपावली आने में चंद दिन शेष हैं। ये त्योहार 5 दिन पहले से शुरू हो जाता है। इसकी शुरुआत धनतेरस से होती है। धनतेरस का त्योहार हर साल कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी के साथ धन के देवता कुबेर की पूजा का विधान है। इस दिन खरीदारी करना अधिक शुभ माना जाता है, इसलिए लोग सोना, चांदी और बर्तन खरीदते हैं। इस बार त्रयोदशी तिथि की शुरुआत मंगलवार 29 अक्टूबर 2024 को सुबह 10:34 पर होगी, जिसका समापन बुधवार 30 अक्टूबर 2024 को दोपहर 1:17 पर होगा। वहीं धनतेरस पूजा के लिए शुभ मुहूर्त की शुरुआत मंगलवार 29 अक्टूबर शाम 6:31 से 8:13 तक रहेगा। इस तरह धनतेरस पर भगवान धन्वंतरी, गणेश और लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। धनतेरस का त्योहार दीपावली से पहले मनाया जाता है और इसे संपत्ति, समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना के लिए शुभ माना जाता है। इस दिन विशेष रूप से सोने, चांदी और बर्तनों की खरीदारी करने का रिवाज है, लेकिन कई ऐसी वस्तुएं भी हैं जिन्हें धनतेरस के दिन खरीदना अशुभ माना जाता है। अब मैं आपको श्रवण कराती हूँ इस दिन किन चीजों को खरीदने से बचना चाहिए और क्यों। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, लोहे की वस्तुएं। धनतेरस के दिन लोहे से बनी चीजों को खरीदना शुभ नहीं माना जाता है। लोहे को शनि ग्रह से जोड़ा जाता है और ज्योतिष के अनुसार शनि का असर कष्टदायक हो सकता है, इसलिए धनतेरस पर लोहे से बनी वस्तुएं जैसे ताले, कैंची या लोहे के बर्तन नहीं खरीदने चाहिए। नंबर 2, कांच की वस्तुएं। कांच की चीजें भी धनतेरस पर नहीं खरीदनी चाहिए। कांच नाजुक होता है और जल्दी टूट सकता है, जिसे घर में दरारों और नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। खासकर बर्तन, शीशे या सजावटी वस्तुएं कांच से न खरीदें। नंबर 3, काले रंग की चीजें। काले रंग को शनि और राहु से जोड़ा जाता है और इसे अक्सर अशुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन काले रंग के कपड़े, वस्त्र या अन्य कोई वस्त्र नहीं खरीदना चाहिए, इससे नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ सकता है। नंबर 4, तेल या तेल से बनी चीजें। तेल से बनी चीजों को भी धनतेरस के दिन खरीदने से बचना चाहिए। तेल का संबंध शनि देव से माना जाता है और शनि के अशुभ प्रभाव को बढ़ाने के लिए ये क्रिया सही नहीं मानी जाती, इसलिए तेल, घी या अन्य तैलीय पदार्थ इस दिन नहीं खरीदने चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आए हो। जय माता लक्ष्मी। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।